Well, hey guys, welcome to our YouTube channel Abhisha Vlog. तो ये वाला व्लॉग आप लोगों को मेरे साथ ही एंजॉय करना पड़ेगा. अभिषेक इसमें एंड में आएगा क्योंकि ये है अभिषेक का बर्थडे व्लॉग. वो मुझसे थोड़ा सा गुस्सा है, वो भी उसके बर्थडे वाले दिन के लिए, और आपको आगे पता चल ही जाएगा कि वो क्यों गुस्सा है. और अभी हम लोग जा रहे हैं उसका गिफ्ट लेने. मैंने बहुत सोचा क्या लूँ. ओ शिट, क्या मैं सारा व्लॉग यही बना लूंगी. चलो मेरा पैकअप हो गया, मतलब भगवान भी मेरे साथ है. मैं जा रही हूँ, मैं आपको देख के बताती हूँ कि कैसा क्या प्लान करना और क्या करना चाहिए. वैसे तो ऑल सेट है और अभिषेक इतना नाराज है कि कह रहा है मैं बर्थडे वाले दिन तुमसे मिलूंगा ही नहीं. लेकिन मैं ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो मैं उसके घर चली जाऊंगी. यहाँ पे भी अभिषा ब्लॉग की बातें हो रही है. कैसे लगता है आपको अभिषा ब्लॉग? सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ट्रेंडी शूज के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके बजट में होंगे बिल्कुल. तो मैं आज आपको 5 पेयर ऑफ शूज के बारे में बताना चाहूंगा जो देखने में इतने ज्यादा सेक्सी है ना, आपको इतने ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं. तो गाइस चलो देखते हैं. पांच पेयर ऑफ शूज मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ. अगर मेरे को वॉक करने है वहां भी यूज कर सकता हूँ, अगर मेरे को जिम करने है वहां भी यूज कर सकता हूँ, अगर मेरे को पार्टी जाना है वहां भी यूज कर सकता हूँ, अगर मेरे को कैजुअल नॉर्मल वेयर करना है वहां भी यूज कर सकता हूँ. तो ये बहुत ही बेनिफिशियल वाले शूज है, आप कहीं भी कहीं किसी टाइम पे भी इसको यूज कर सकते हैं. और गाइस आपको इसमें 50-80% का ऑफ मिलने वाला है. अगर आप न्यू कस्टमर है तो आपको 10% का और भी ऑफ मिलेगा. और ये सारे शूज आपको स्टार पॉलिसी के साथ फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, 5 days एक्सचेंजेबल, 5 days रिटर्नेबल के साथ मिलेगा. तो बात रही अदर वेबसाइट्स की, तो आप देख सकते हो कि हमारी वेबसाइट पे इस शूज के प्राइस क्या है और अदर वेबसाइट पे इस शूज के प्राइसेस क्या है. तो इन दोनों में डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो. और गाइस इन पेयर ऑफ शूज पे डील ऑफ द डे चल रहा है. अगर आप डील ऑफ द डे में इन्हें बाय करते हो तो इनका ओरिजिनल प्राइस है 549, बट अगर आप डील ऑफ द डे में इन्हें बाय करते हो तो आपको पड़ता है 499 रुपीज का. तो गाइस ये 24 hours के लिए अवेलेबल है, जल्दी से जाओ अभी परचेज करो. तो गाइस आप किस चीज की वेट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके जल्दी से जाओ और शॉप करो. अगर आप डील ऑफ द डे में शॉप करते हो तो आपको बहुत ही सस्ते रेट पे ये शूज मिलने वाले हैं. तो जल्दी से जाओ और जल्दी से शॉप करो गाइस. चीयर्स. मैंने फाइनली सोचा दैट अभिषेक के पास कपड़ों का ऑलरेडी भंडार है और वो ऐसे चलते फिरते भी कपड़े खरीद लेता है कि हाँ ये अच्छा लगे ये ले लो, वो अच्छा लगे वो ले लो. तो कपड़े उसके पास ऑलरेडी बहुत हैं, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं ये वाला गिफ्ट लेती हूँ एंड आई होप उसको पसंद आएगा. गिफ्ट से ज़्यादा मेरे को उसको मिलने का एक्साइटमेंट है क्योंकि उसको अभी तक पता नहीं है दैट आई एम गोइंग टू गो एट हिज प्लेस और मैं कल फर्स्ट टाइम उसके घर जाने वाली हूँ. और उससे पता ही नहीं, उसने मुझे एक चीज़ भेजी जिसमें ऊपर उसका एड्रेस लिखा हुआ था और मैंने फटाक से स्क्रीन शॉट ले लिया कहीं अनसेंड ना कर दे. मैं कितनी तेज हूँ हमेशा उसके पास रहे. और अभिषेक से अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, मैंने कहा
कि तुम कहाँ जाओगे बर्थडे पे. आई एम सॉरी यार, मैं तो आ नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा तो लेट पैकअप होगा, तो तुम कहाँ जाने वाले. तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत हर्ट हो गया और वो बहुत, मतलब उसको बहुत अजीब फील हो रहा था. और थोड़ा सा जब वो मुझसे बात कर रहा था तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इमोशनल हो रहा है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर. बट ऐसा नहीं होगा, मैं जाऊंगी उसके घर. अभी मैं उससे बात कर रही हूँ नॉर्मल वे में, और मैंने उसको ये बताया कि यार मेरे तो बहुत रिहर्सल्स चल रहे हैं और पैकअप होगा आफ्टर 11 या 11:30. तो ही मतलब उसको, मुझे पता है वो कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होगा, बट दैट्स ओके. मैं उसको थोड़ा तो परेशान करूँगी क्योंकि मैं उसको सरप्राइज देने वाली हूँ. फाइनली इट्स माई पैकअप और मैं निकल गई हूँ घर के लिए. मैं रेडी वेडी हो के एंड 9-10 बजे के करीब अभिषेक के घर के लिए निकलूंगी. और अभिषेक ने मुझे अभी अभी उससे रिलेटेड और उसके बर्थडे से रिलेटेड एक न्यूज दी है और वो आप सबके लिए भी सरप्राइज ही है. सो गाइस, फाइनली आई बॉट माय ड्रीम कार. मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसको बाय करने के लिए. एंड ऑल थैंक्स टू माय पापा. इन्होंने मतलब मैं लेना नहीं चाह रहा था, एकदम से इनकी वजह से प्लान बना. अरे बंद करो. हाँ, एकदम से प्लान बना और फाइनली हमने कार ले लिया. और बहुत ज्यादा मेरे से ज्यादा ये खुश है. So finally I bought my BMW. मैं घर आ गई हूँ फाइनली. और मेरी मम्मा इतनी प्यारी है ना, मैं सेट पे थी, मैंने इनको बोला था कि प्लीज 2-3 चीजें पिक कर लाना अगर मार्केट जाओ तो. और ये मेरे लिए पिक करके ले आई. बुके तो रेडी है. अभिषेक को फ्लावर्स पसंद है वैसे तो. मैं जाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी. अभी तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूं कि मैं क्या पहनूं क्योंकि ऑल ऑफ द बर्थडे पर उससे ज्यादा अच्छी मैं दिखनी चाहिए क्योंकि मैं उसके घर जा रही हूं उसके मम्मी पापा के सामने. तो अभी बज गए 9 तो 9, 10, 11, 12. सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं अभिषेक के बर्थडे में. मैं जो उसको गिफ्ट देने वाली हूँ वो आपको वहीं पे पता चलेगा जब वो गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करेगा. हाय गाइस, तो मैं अभिषेक के घर आ गई हूँ फाइनली और मेरे को उसकी मम्मा ने बता दिया कि वो अपने रूम में है. तो आओ चलते हैं. बच गए क्या बात है? हम भी बजे में तो रहते हैं. कितना टाइम बाकी है? और फिर 2 मिनट बाकी. अरे 4 मिनट. आपको पता था? कैसे हो? अरे हाय तो बोल दो सबको. आपको पता है मैंने अपने बर्थडे पे इसको मिलना नहीं था क्योंकि ये शूट कर रही है और मैंने लिटरली ये चीज वो कह रही थी कि मैं नहीं आऊंगा जो मर्जी तुम कर लो. अभी नहीं मैं. क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि पहली बात तो चलो आप लोग आ गए अच्छा लग रहा है, दूसरी बात 12 बज गए और मैं उनको विश ही नहीं कर रहा. वाओ. अरे नहीं बजे यार. एक मिनट रहता है. Happy birthday, dear Rajin. Happy birthday to you. Woo! Abhishek!
Happy birthday, dear superstar. Happy birthday, superhero. देखना क्या लिखा है मेरी माँ ने. ओरियो का ये खिलाऊंगा नहीं, बस काट दिया, अपने आप खाई जाओ. पापा जी मेरा गिफ्ट. अच्छा हाँ भैया, हमारी सिर्फ डीलिंग पैसों में होती है. देखो इसके लिए इसने मेरे से इतने ज्यादा झूठ बोले, इतने ज्यादा झूठ बोले. मुझे पता चल गया था कुछ ऐसा है, बट जब हम खोलते हैं आपके लिए भी और कहां से कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा यहीं से, थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर लेके खोलो ना. वाओ ये क्या है, चैनी है. हां क्या कैसी लगी, सुंदर थी. और इधर से आपको यहाँ मतलब पूरा सिनेरियो बताता हूँ शुरू से लेकर एंड तक जो मैंने फेस किया. ठीक है तो क्या सुन लो क्या हुआ. मैंने इसको एक महीने पहले बोला था, मैंने कहा ईशा प्लीज 26 का ऑफ आप चुप रहो, 26 का ऑफ बहुत मजा आ रहा है ईशा मेरे घर आई है यार. तो मैंने इसको बोला था कि एक महीने पहले ऑफ ले लेना, और इसने ऑफ नहीं लिया. क्या हुआ कि इसने ऑफ बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि इसने मतलब ऑफ ले सकती थी, बट इसने बिल्कुल एफर्ट्स पुट नहीं करे कि इसको ऑफ मिले. ठीक है तो इसको ऑफ नहीं मिला, और ये 26 को एक सॉन्ग शूट कर रही है, तो अभी ये वहाँ पे जा रही है. और मैं इससे बहुत नाराज था, मैंने इसको बोला था कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा. पर इसको एड्रेस कैसे मिला वो तो बता दो. इसने ना मेरे को एक इनवॉइस भेजा था, याद है, और उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ होता है भाई, वहां से मैंने निकाला. अच्छा पर्सन भेजा था मैंने. हाँ, और पता है मैं रैंडमली सोच रही थी कि यार, क्योंकि इसी सेम टॉपिक पे हमारी बहुत लड़ाई हुई, तो अभिषेक सेड कि तुम कुछ भी प्लान करोगे तो मैं नहीं आऊंगा. मतलब मैं नहीं आऊंगा, मेरे को इसका पता है, इसके गुस्से का भी पता है, कि कभी मुझे पता है कि तुम आते, कभी मजाक करते, कभी क्या करते. तो मैंने कहा यार हर बार ये ऐसे परेशान होता है, इस बार इसके बर्थडे पे मैं चली जाती हूँ. ये मुझे बहुत टॉलरेट करता है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल, मैं इसके साथ कोऑपरेट भी नहीं करती, और दुखी करती हूँ बेचारे को बहुत, इसके लिए सॉरी. लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा, और ये इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है ना, ये अपने काम को लेके बहुत सीरियस और बहुत एक्टिव भी है, तो गॉड ब्लेस यू. बचपन में मेरे को ना एक रोकी भैया, उनकी बहन है गुड़िया, तो वो अभी भी सुंदरी, अभी भी मेरे को सुंदरी बोलती है. फिर मैंने इसको देखा, फिर मेरे को ये इसमें मैं दिखी, तो मैंने इसको सुंदरी बोल दिया. तो गाइस आप किस चीज की वेट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके जल्दी से जाओ और शॉप करो. अगर आप डील ऑफ द डे पे शॉप करते हो तो आपको बहुत ही सस्ते रेट पे ये शूज मिलने वाले हैं, तो जल्दी से जाओ और जल्दी से शॉप करो गाइस.